हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्लोरिया नायलोर का फेमस नोवेल मामा डे की समरी लेके आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। मामा डे जो है वो विलो स्प्रिंग की हिस्ट्री और फोकलोर को एक्सप्लोर करता है। विलो स्प्रिंग एक मिस्टीरियस फिक्शनल काल्पनिक कस्बा है जो कि साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया के बीच में किसी आइलैंड के आसपास है। रीडर्स को पढ़ते ही ये समझ आ जाता है कि विलो स्प्रिंग में कुछ ऐसा है, क्योंकि ये एक मैजिक रियलिज्म का एग्जाम्पल है कि विलो स्प्रिंग में कुछ ऐसा है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। और ये नोवेल जो है इस थीम को लेकर चलता है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तीन करेक्टर ओफिलिया कोकाडे, जॉर्ज एंड्रयू और एक थर्ड पर्सन, एक अननेम्ड थर्ड पर्सन नरेटर के बीच में चलता है। कुछ लोग इसे टेम्पेस्ट से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि टेम्पेस्ट में भी ओफिलिया थी, वैसे ही यहाँ ओफिलिया है। ये जो थर्ड पर्सन नरेटिव है ये ओमनीशिएंट है, सर्वव्यापी है, मतलब कि वो सारे एक्सपीरियंस को जानता है और सभी करेक्टर्स के इनर थॉट्स को जानता है। और नोवेल इस पॉइंट को पूरी तरह से इलस्ट्रेट करता है, क्योंकि ये जो इसका टाइटुलर करेक्टर है मिरांडा डे और मामा डे, जो कि नोवेल का मेन करेक्टर है जिसके नाम पर ही नोवेल को लिखा गया है। मामा डे जो है वो एक प्रोलॉग से स्टार्ट होता है, जिसमें हमें विलो स्प्रिंग के बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है और इसके साथ इससे जुड़े हुए मिथ्स का भी पता चलता है। रीडर्स को ये पता चलता है कि यहाँ एक सफीरा वैड नाम की एक स्लेव थी, जिसे कि बॉस्कॉम वैड को बेच दिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम थी विचक्राफ्ट के लिए। इस लीजेंड के अकॉर्डिंगली सफा ने 7 बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद अपने हस्बैंड बॉस्कॉम वैड को मार दिया, और इसके साथ ही यहाँ पर उसका एक सुपर नेचुरल रेपुटेशन है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि वो एक बारिश के बिजली से भरे हुए तूफान में बिना किसी बिजली चल सकती थी, उस पर कोई बिजली नहीं गिरती थी, और वो गिरती हुई बिजली को अपनी हथेली पर भी पकड़ सकती थी। और यह भी कहा जाता है कि सफीरा वेड का नाम विलो स्प्रिंग में लेना एक प्रकार का टैबू है, अपराध माना जाता है। मामा डे जो है वो सफीरा की के वंश से है और उसकी भी वैसी ही रेपुटेशन है कि उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए विलो स्प्रिंग कम्युनिटी में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। इस प्रोलॉग के बाद नायलर जो है बुक को 2 हिस्सों में बांट देती है। इसमें चैप्टर नहीं है बल्कि पार्ट है। पार्ट फर्स्ट जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में होता है, जहां कोकोवा जो है वो जॉर्ज एंड्रयू के साथ इंटरव्यू देती है उसकी इंजीनियरिंग कंपनी में एक नौकरी के लिए। जब वो वर्क स्टार्ट करती है उससे पहले कोकोवा विलो स्प्रिंग में अपनी दादी एबिगेल डे से मिलने आती है और अपनी आंटी मिरांडा से मिलती है। अब कोकोवा जब विलो स्प्रिंग में रहती है तब हमें टाउन का जो सुपर नेचुरल मिथ है उनके बारे में और पता चलता है, जैसे कि कोकोवा को एयरपोर्ट पर डॉक्टर बजर्ड उठाते हैं, जिन्हें मिरांडा कहती है कि बस एक बोट लेगर है और कॉनमैन है, और जिसकी हुडू पावर्स हैं, उसके पास हुडू पावर्स हैं जो कि मिरांडा की पावर्स के जैसी हैं। जब कोकोवा न्यूयॉर्क आती है और वो हालांकि वहां उसका एक बड़ी अजीब सी स्टार्टिंग होती है, लेकिन वो और जॉर्ज एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो लेटर कोकोवा जॉर्ज को भेजती है उस लेटर पर मामा डे ने कुछ जादू मंत्र किया होता है। और इधर विलो स्प्रिंग में मिरांडा की जो पड़ोसी है बर्निस ड्यूएल, उसको उसका फर्टिलिटी पिल से उसको एक सीवर रिएक्शन हो जाता है। ये फर्टिलिटी पिल उसने प्रेग्नेंट होने के लिए होती है, हालांकि मिरांडा के पास बर्नेस को ठीक करने के लिए एक घरेलू नुस्खा होता है, पर वो उसे कहती है कि आप किसी और जगह जाइए।
जो एक और सुपर नेचुरल लोकेशन है जिसका हमें ज्यादा पता नहीं चलता है। रीडर्स को ये भी पता चलता है कि विलो स्प्रिंग में जूनियर ली और उसका लवर रूबी है, एक ऐसी औरत है जिसके अंदर भी सुपर नेचुरल एबिलिटी है। ये जो रूबी है वो बदनाम है क्योंकि वो मैनिपुलेशन करती है, और वो उसने जूनियर ली के ऊपर कुछ जादू मंत्र कर उसे अपने साथ प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को छुड़वा दिया। कोकोआ और जॉर्ज जो है वो प्यार करते हैं और शादी होते हैं 5 साल। अब हर साल वैसे तो कोकोवा तो विलो स्प्रिंग में आती है, लेकिन 5 साल बाद दोनों एबिगिल जो कि कोकोवा की दादी है और मिरांडा से मिलने आते हैं। जूनियर ली कोकोवा को इनवाइट करता है कि चल मैं तेरे साथ तेरे को एक म्यूजिशियन को दिखा के लाता हूँ, पर मिरांडा मना करती है क्योंकि उसको पता है कि रूबी कितनी खतरनाक है। इसके बाद में एक डिनर पार्टी में एबिगिल और डिनर पार्टी दी जाती है एबेगिल और मिरांडा द्वारा। कोकोआ और जॉर्ज की मैरिज की खुशी में जूनियर ली रूबी को झूठ बोलता है कि कोकोआ उसके पास आई थी, तो रूबी कोकोआ को इनवाइट करती कि आ मैं जूनियर ली के बिहेवियर के लिए माफी चाहती हूँ, और वो कोकोआ के बालों पर एक जहरीला पदार्थ लगा देती है। इससे कोकोआ को हाल निक्वेशन हो जाता है, उसे अजीब अजीब सी बातें सुनने लगती, दिखने लगती, और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। जब मिरांडा को पता चलता है कि रूबी ने ऐसा किया है तो वो मिरांडा बदला लेने के लिए रूबी की प्रॉपर्टी पर कुछ सफेद सफेद सा सिल्वर सब्सटेंस फेंक देती है जिससे कि घर पर बिजली पड़ती है और वो नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक हमारे सामने जॉर्ज है जो कि एक एक इंजीनियर है, वो एक प्रैक्टिकल माइंड का पर्सन है, और वो सोचता है कि मैं किसी तरीके से अपनी वाइफ को बचा लूंगा। अब वहां पे उसी समय एक बड़ा जबरदस्त तूफान आता है जिससे विलो स्प्रिंग का जो एक ब्रिज होता है जिससे कि विलो स्प्रिंग में आया जा सकता है, वो ब्रिज उड़ जाता है। इससे जॉर्ज को बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलती है। अब उसे मिरांडा की होम रेमेडीज को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस पर वो एक क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा रैशनल और लॉजिकल पर्सन है, वो उसको शक होता है। तो वो क्या कहता है कि बाकी लोग भी मदद करना चाहते हैं कि चलो अपने दूसरी जगह उस अदर प्लेस पर चलते हैं। जॉर्ज कहता है कि मैं यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढूंगा। वो कोकोआ की लाइफ को बचाने की बड़ी कोशिश करता है, इसलिए मिरांडा उसे कहती है कि जो उसे कहती है वो उसे कहता है यार ये मम्बो जम्बो मैं नहीं मानता। मिरांडा कहती है कि तुम जाओ हैन मेरे मुर्गी खाने में जाओ और वहां जाकर वापस आ जाना जो तुम्हें मिल जाए। अब वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता, भी उसे जो भी मिले ना उसे लेकर बिल्कुल सीधा आ जाना। तो उसके बाद में वापस में आते वारी उसे कुछ चोट लग जाती है और उसका क्या इसका दिल कम इसका हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये मर जाता है। अगले 3 महीने में कोकोवा तो जहर से ठीक हो जाती है और वो चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना चली जाती है जहां पे वो एक और शादी करती है, फैमिली होती है, पर वो कभी भी जॉर्ज को नहीं भूलती है। तो इस तरह से हमारी स्टोरी खत्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक रियलिज्म का एग्जाम्पल है जिसमें मेन करेक्टर है मामा डे और उसकी उसकी बेटी कोकोवा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।